नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपका भी फोन पे ओपन नहीं हो रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम कुछ आपको ऐसे स्टेप बताएंगे जिसके जरिए आप फ़ोन पे को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आप अभी जिस भी सिम कार्ड से अभी आप अपना फ़ोन पे यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर नेटवर्क है कि नहीं। अगर उसमें प्रॉपर नेटवर्क है, उसके बाद अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है, उसके बावजूद भी आपका फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में आपको डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर खींचना है, और खींचने के बाद यहाँ पर आपको एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। तो चलिए एरोप्लेन मोड को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के थोड़ा देर बाद फिर से आपको एरोप्लेन मोड को यहाँ से ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है कि अब आपको फ़ोन पे को ओपन करके देखना है, चला के देखना है कि आपका ओपन हो रहा है और चल रहा है कि नहीं। अगर आपका इतना से प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, तो अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ़ोन पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे का अपडेट आया हुआ है, तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। अगर यहाँ से अपडेट नहीं आया हुआ है, तो सिंपल आपको यहाँ से कट कर देना है। तो हमारे फ़ोन में फ़ोन पे का अपडेट आया हुआ है, तो चलिए यहाँ से इसको हम अपडेट कर लेते हैं। अब आपको फ़ोन पे अपडेट होने के बाद यहाँ से आपको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आपको फिर से एक बार फ़ोन पे को ओपन करना है और चलाकर ओपन करके देखना है। अगर आपका इतना से फ़ोन पे ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर आपका इतना से भी फ़ोन पे सही नहीं होता है, तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक ऐप मैनेजमेंट या आपको एक एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन होगा, तो आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाना है। जाने के बाद अब आपको इसमें फ़ोन पे को ढूंढ लेना है। फ़ोन पे ढूंढने के बाद अब आपको फ़ोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ से फर्स्ट स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको स्टोरेज यूजेज पे जाना है और यहाँ से आपको क्लियर चेस करना है। क्लियर चेस करने के बाद ऊपर में आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहां से क्लियर डाटा करते हैं, तो आपको पहले बता दें कि क्लियर डाटा करने से होगा क्या कि आपका जो फ़ोन पे में अकाउंट जो लॉगिन होगा वो लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर से आपको अपने फ़ोन पे में अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्लियर डाटा करने से पहले आप सोच लीजिए कि अगर आपको फिर से अकाउंट को लॉगिन करना है, तो यहां पर आप क्लियर डाटा कर सकते हैं। इससे आपका पूरा तरीका से आपका फ़ोन पे सही हो जाएगा। तो चलिए यहां से हम क्लियर डाटा करना चाहते हैं, तो यहां पर क्लियर डाटा पर क्लिक करते हैं और यहां से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। इतना पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से बैक करना है। उसके बाद यहां पर आपको एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहां पे जाना है। उसके बाद यहां पर आपको एक डिसेबल मोबाइल डाटा और यहां पर एक आपको डिसेबल वाईफाई दो ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहां पर चेक कर लेना है कि यह दोनों ऑप्शन ऑफ है कि नहीं। अगर आपका यहां से दोनों ऑप्शन ऑफ है, तो यहां से अब आपको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में फ़ोन पे को ओपन करना है। तो चलिए फ़ोन पे को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन पे ओपन हो गया है और यहाँ से मेरा फ़ोन पे का अकाउंट जो है यहाँ से लॉग आउट हो गया है। तो यहाँ से फिर से मेरा लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम क्लियर डाटा कर दिए थे। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे ओपन नहीं हो रहा था, तो उसको ठीक कर सकते हैं या काम नहीं कर रहा था। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।